अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और सभी कोर्सेज़ का जहाँ पे जितने भी लिखे हुए बीएड, एमएड, बीलेब, एमलेब, प्रीटेब, पीजी डिप्लोमा इन हाइड्रोलॉजी एमवॉक और यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बीआरटीटी, बीएससी डिप्लोमा पैरामेडिकल, एमए इंटरनेशनल एंड वेस्ट एशियन स्टडीज़, इन सब की जो है यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। इसमें आपके 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो आपको 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में ही बता दिया जाएगा। फिर आपको 7 अक्टूबर का टाइम दिया जाएगा, आपको वो डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करना होगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया है। फिर 8 अक्टूबर को जो भी आपने रिजेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसको वेरीफाई करेंगे ये लोग। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होते हैं तो 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आएगी। दोनों दिन में से किसी दिन भी आ सकती है, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे और जिनकी वेटिंग क्लियर होगी वो स्टूडेंट्स का नाम जो है डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 दिन का टाइम दिया गया है फीस पेमेंट के लिए। 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप जो है फीस पे कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, ऑफलाइन फीस पे नहीं करनी। 3 दिन में से कभी भी आप जो है फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको 14 अक्टूबर का टाइम एक दिन और दिया गया है कि बाई चांस कोई स्टूडेंट्स अगर फीस पे नहीं कर पाता है किसी वजह से तो वो 14 अक्टूबर को फीस पे कर सकता है विद फाइन। इसमें कितना फाइन है वो आपको 14 अक्टूबर को पता चल जाएगा कितना फाइन के साथ आप लोग फी पे कर देते हैं। उसके बाद अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड नहीं करने हैं इसमें दोबारा से। जिसने डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर दिए उसको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, बस आपको जो है वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। सिर्फ उन स्टूडेंट को जिनका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आया है उन्हीं स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है और किसी को भी पार्टिसिपेट करना नहीं है। इसमें जिसका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ चुका है, जिसने एडमिशन ले लिया होगा उसको सेकंड राउंड में एडमिशन पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपका शेड्यूल आ चुका है। हमने पहले ही कह दिया था कि 27 सितंबर तक आपका जो है डिप्लोमा का काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है और वही वो आज 27 सितंबर है और इसमें आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का शेड्यूल जो है आ चुका है। इसमें हम लोग जो है आपको पूरा काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो बता देंगे किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, कौन सी आपको ब्रांच को ऊपर रखना है फर्स्ट चॉइस पे और कौन सी ब्रांच को आप लोअर चॉइस पे रख सकते हैं। ये सब इसमें जो है आपको काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तब काउंसलिंग करके आपको बता देंगे। तो इस चैनल से ज़रूर कनेक्ट रहें, जैसे ही इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा।